हम भारत सरकार को ज़्यादा जिम्मेवार मान के चलते हैं। ये जो पीएम पैकेज जिन्होंने हमारे लिए दी, हमारे बच्चों को धकेल दिया वहाँ पे, इसका कोई तुक नहीं था। अगर भारत सरकार सीरियस होती तो ये हमें सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में भी ले सकती थी, ये हमें रोज़गार देने पर अगर वो आ जाते। लेकिन इनकी एक ये चाह ख्वाहिश है कि ये कश्मीरी पंडित को किसी भी तरह वापस धकेलना चाहते हैं, बगैर ये सोचे समझे कि क्या हालात वहाँ पर ठीक हुए, क्या उनके रहने के लिए, क्या उनकी सिक्योरिटी के लिए हमने कोई प्रॉपर अरेंजमेंट किया। ये भारत सरकार ज़्यादा जिम्मेवार है और किसी के मुकाबले। वहाँ के लोगों के लिए वो खिदमत कर रहे थे और वहाँ वो लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे थे, दिन रात वहाँ मेहनत कर रहे थे। ऐसे निहत्थे कश्मीरी पंडित को निशाना बनाकर कायर पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है और इस जघन्य अपराध की, इस महापाप की भारी कीमत इन कायर पाकिस्तानियों को चुकानी पड़ेगी। जमीन के पाताल से निकाल निकाल कर इनको मौत के घाट उतारा जाएगा। ये अक्षम्य पाप है, इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। स्वाभाविक तौर पर ये एक बहुत चिंतनीय मामला है। जिन परिजनों ने अपने सगे संबंधी को खोया है, जिन परिजनों ने अपना बेटा खोया है, जिन परिजनों ने अपना भाई खोया है, स्वाभाविक है कि उनके दिल में बहुत तकलीफ, रोष और गुस्सा है। खून का रिश्ता है और साथ ही साथ ये मानवता का कत्ल है, इंसानियत का कत्ल हुआ है। एक ईमानदार व्यक्ति जो अपनी सेवाएं दे रहा था, उसने किसका क्या बिगाड़ा था? उसने ईमानदारी के साथ वहां लोगों की खिदमत कर रहा था, सेवा कर रहा था, उसको जो निशाना बनाया गया है, ये इंसानियत का कत्ल किया गया है। गुनाहगारों को किसी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। हमारी सेना, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने कश्मीर घाटी के अंदर जितने भी आतंकवादियों के बड़े आतंकी सरगना हैं, उनको पहले ही मौत के घाट उतार दिया है। कुछ जो बचे खुचे हैं और अपने आप को छिपकर कभी जंगल में, पहाड़ में और रात के अंधेरे में वार करते हैं, इनका भी सफाया करें। सुरक्षा बलों ने बड़े अच्छे तरीके से काम किया और लगातार पिछले 1.5 वर्ष में 450 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। लेकिन राहुल भट्ट की जो शहादत हुई है, निश्चय ही मैं इनके परिवार के प्रति, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। इस प्रकार से आगे ना हो, इसके लिए नई रणनीति बनाने की जरूरत है और लगातार इस प्रकार की घटनाओं का होना कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है। सुरक्षा बलों ने अच्छा काम किया है, 450 मिलिटेंट्स को मार गिराया है और ये भी नहीं बचेंगे। लेकिन जिनके परिवार के लोग जाते हैं, दुख होना स्वाभाविक बात है। राहुल भट्ट की जो शहादत हुई है, ये एक मील का पत्थर साबित होगी और इनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। एक प्रयास जो लगातार कश्मीर में शांति का किया जा रहा है, आज हमारी वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो वो भी वहाँ का माहौल ख़राब करती है, कश्मीर बेस्ड गलत बयानबाजी करके, तो मुझे लगता है इस चीज़ को समझने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है और विश्वास करना चाहिए कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से लगी है, आज लॉ एंड ऑर्डर अपने पास लिया है, इन चीज़ों को जल्द ठीक किया जाए। Thank you.
राहुल भट्ट आज साल की बेटी है अगर आईडी को ऐसे भरोगे याद रहे।